कोरोना वायरस और फिर लॉकडाउन ने अवाम को परेशान कर दिया। इन परेशान हाल अवाम के लिए हैदराबाद में कई दर्दमंद अफराद मदद को आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं दर्दमंदों में एक नाम जनाब मतीन शरीफ साहब का है। जनाब मतीन शरीफ साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। हैदराबाद में गरीबों का मसीहा समझे जाते हैं। जनाब मतीन शरीफ साहब लॉकडाउन के दौरान रोजाना सैकड़ों खानदानों में राशन तकसीम कर रहे हैं। कई गरीबों में गिजाई पैकेट्स की भी तकसीम अमल में लाई जा रही है। आज कई गरीब खानदान मतीन शरीफ साहब के मशकूर और उनके लिए दुआ गो हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हिंदुस्तान में जो मौजूदा हालात में कोरोना वायरस की वजह से तबाही मची हुई है, उसकी वजह से जो हुकूमत ने लॉकडाउन का जो डिसीशन लिया, उस डिसीशन को मद्देनज़र रखते हुए कई ऐसे लोग हैं जिस जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाना तो शाम में खाना, वैसे लोग हैं जिसको हम लोग सब उनकी फिक्र करते हुए उनके लिए राशन का इंतज़ाम किया, एक हफ्ते के राशन का, जिसमें 8 किलो चावल और 3 किलो आटा, 1 किलो शक्कर, 1 किलो दाल और 1 किलो तेल, ऐसा जितना हो सकता उतना, क्योंकि हुकूमत की तरफ से खाली ऐलानात हो रही, हुकूमत की तरफ से सिर्फ ऐलान हुआ कि 1500 देंगे और 12 किलो चावल देंगे, वो कब देंगे, वो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद देंगे या कब देंगे, उन लोग का कोई उसका डिसीजन नहीं है। इस चीज़ को हम देखते हुए जो गरीब लोग जो रोज़ सुबह जाके शाम में कमा के लाना तो खाना, ऐसे लोगों की फिक्र में हमारे मिनाज भाई है, कलीम भाई, खलील भाई और खालिद भाई, काफ़ी लोग हमारे पूरे हजरत दो साहबा पूरे मिलके हम लोग ने ये संतोष नगर के एरिया में जो मुस्तहिक लोग थे उन लोग को एक टोकन का सिस्टम बना के उनके घरों पे टोकन तकसीम किए करके, वो जो जो टोकन लेके आए थे उन लोग को टोकन के हिसाब से पूरा राशन डिस्ट्रीब्यूट किए, और इंशाल्लाह ये अमल जब तक के लॉकडाउन रहेगा चालू रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लॉकडाउन के बाद से हमारे मेरे और मेरी टीम की तरफ से ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं इसका आज 5वां दिन है। आज 5-4 दिन तक भी हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआएं लेते रहे, लोगों की खिदमत करते रहे।
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا روضت دربي شكرا. चाहे हुकूमत हमारे पे हमको ये काम से रोकने की कितनी भी कोशिश करे, कितने भी हमारे पे पाबंदियां लगाए, इंशाल्लाह हम नहीं रुकेंगे, हम बराबर अपना काम जारी रखेंगे। हमारे ये बिहार के भाया हैं,
जिसको हम नहीं जानते वो हमारे को नहीं जानते, मगर ये लोग हमारे वीडियोस देख के मेरे को कांटेक्ट करे, बताए कि उनको ऐसा का बहुत प्रॉब्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 22वां प्रोग्राम है, अभी पैकिंग चल रही है अभी। जनाब मतीन शरीफ साहब ने 24 मार्च को लॉकडाउन के आगाज के साथ ही गरीबों में रोजाना राशन और खानों की तकसीम शुरू कर दी थी। उनकी ये खिदमत लॉकडाउन के आखिरी दिन तक जारी रहेगी। जब तक लॉकडाउन रहेगा, जनाब मतीन शरीफ साहब उस वक्त तक रोजाना जरूरतमंदों में राशन और खानों की तकसीम करते रहेंगे।